क्या हुआ, शॉकर लीक कर रहा है? हाँ शॉकर का। इधर आ, कैसे तू कर ली? हाँ इधर आ, इधर आ। इसके ना पूंछ में ऐसे इन्फेक्शन हो गया है, तो अभी डॉक्टर के पास गए। स्कूप्स कितने तेज हाँफ रही है ये। अभी ना एक्चुअली बहुत उदास है बेचारी। हाँ उदास है बेटा, तू इतना हाफ क्यों रही है? पानी पीना। तो भाई नीचे श्याम भैया आए हैं थार की चाबी लेने, तो मैं जा रहा हूँ भैया को चाबी देने। ये रही जी अपनी टैंक, और टैंक जब से फॉर्च्यूनर आई है ना ऐसी खड़ी है, मतलब इसी पोजीशन में खड़ी है और चली नहीं। श्याम भैया आ गए, अब श्याम भैया को इसको चाबी दे देते हैं और फिर देखेंगे इसकी सर्विसिंग कराएंगे। यार इसकी सर्विसिंग को भी ना टाइम हो चला। हेलो श्याम भैया, कैसे हो? वे गाड़ी की चाबी इसी में है ना? मैं निकाल दूं बाहर? ना, मैं निकाल दूं। आप निकाल लोगे? ठीक है। देखो भाई फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है, बट थार का कोई कंपैरिजन नहीं है। थार से जो आप कर सकते हो ना फॉर्च्यूनर में, वो कर सकते हो लेकिन डर लग के, मतलब वो इसमें ना नीडल टाइप कर सकते हो, क्योंकि इसके नीचे पूरा अंडर बॉडी है ना अपना, तो वो कोई टेंशन नहीं रहता है। और ये गाड़ी तो भाई बहुत ही यूनिक लगती है, मेरे को तो बहुत यूनिक लगती है बिकॉज ऑफ द स्टिकरिंग एंड ऑल, मतलब इसमें जो स्टिकर हुए ना उसके वजह से। भाई इसको ना लेके रोड पे निकलना ना यार, फिर ना इतने सारे लोग ना ऐसे रोकते हैं ना, फिर आप जहाँ जाना चाहते हो ना वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हो, या तो लेट पहुँचते हो। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, बट इसका जो भी छोटा मोटा चीज़ है ना वो उठा के फॉर्च्यूनर में डाल देते हैं, क्योंकि फॉर्च्यूनर जब तक ये नहीं आ रही है तब तक तो फॉर्च्यूनर अपने पास रहेगी, वही चलाएंगे, और फिर ये आ जाएगी उसके बाद उसका काम करवाएंगे। नहीं भैया आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है मैं आपको कॉल कर लूँगा एक बार। भाई रेडी वेडी होके नहा धोवा के, हाँ नहा धोवा के, पता नहीं नहा धोवा के क्यों कहते हैं, नहा वहा के क्यों नहीं कहते, पता नहीं ऐसे कहते भाई। तो अरे यार इसको बंद कर दो, कुत्ते आते हैं, मतलब डॉग्स, कुत्ते ऐसे नहीं, कुत्ते। भाई जब जब इस गाड़ी को देख रहा हूँ ना, मेरे को ना अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी फ़िलहाल अपन यहाँ से निकले हैं, दो तीन काम जो पेंडिंग काम रहता है ना उसको कराने। तो एजेंडा आज ये है कि सबसे पहले तो आज अपने को थार की सर्विसिंग करानी है, और उसके लिए गाड़ी मैंने ऑलरेडी दे दी, वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो अभी अभिषेक भैया के पास जाना है, क्योंकि अभिषेक भैया से अभी मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि उसका जो इंजन ऑयल है ना BS6 का, वो डिफरेंट है तो जो महिंद्रा रेकमेंड करता है, तो एग्जैक्टली वही इंजन ऑयल यूज़ करेंगे। बाकी पार्ट्स ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिए थे, तो पार्ट्स ऑलरेडी गाड़ी में चले गए हैं, तो वो सारे पार्ट्स हैं, तो एग्जैक्टली पूछेंगे। प्लस जो दो तीन आवाज़ थी जो महिंद्रा सही नहीं कर पाया था, वो मैंने अभिषेक भैया को बोला है कि देखो यहाँ यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वो एक बार जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली सर्विसिंग में क्या क्या चेंज हो रहा है और कैसे कैसे चेंज हो रहा है। उससे पहले अपने को जाना है बैंक, सबसे पहले जाना है एक्सिस बैंक, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक अकाउंट क्लोज कराना है। दैट अकाउंट इज़ नॉन ऑपरेटिव, और मैं नहीं चाहता कि इतने सारे अकाउंट रख के ना झंझट रहा, फिर ना CA को एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। तो देवेश भाई बहुत गाली देते हैं अपने को कि भाई ये क्या नाटक है, तुम जब यूज़ ही नहीं कर रहे तो इसको बंद कराओ ना, हैं जब तुमको यूज़ ही नहीं करना तो खोल के क्यों रखे हो। इस रोड पे तो आके और ज़्यादा खटर पटर कर रहे हैं, तो ये सारा मैं ना मॉइस्चराइज़र वगैरह कैरी करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें ये इसमें, और क्या है भाई, हाँ सैनिटाइजर, तो इसमें देखो कितना बड़ा बॉक्स है, इसमें सारा आ गया। अब पीछे क्या है ना डिक्की में, वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, तो वो भी ना पानी वाला आवाज़ आ रहा है उसमें, तो सारा वाटर का ना, मतलब वो जितना भी पानी का करेट है ना, और एड ब्लू मैंने लिया था, तो एड ब्लू ऑलमोस्ट 40 लीटर एड ब्लू है, तो एड नहीं 20 लीटर है सॉरी 40 नहीं 5-5 लीटर का डब्बा है, 4 डब्बा, तो वो भी ना आवाज़ कर रहा है, तो उसको भी उठा के रखना पड़ेगा। तो हाँ पानी का आवाज़ आ रहा है। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, शाहरुख खान की मोहब्बतें मूवी थी ना, जहाँ पे पेड़, दोनों पेड़ थे, पत्ते गिरते रहते थे, लव स्टोरी चल रही थी, वैसे ही है। बस यहाँ पे वैसे पत्ते नहीं है, मतलब उस टाइप का वेदर नहीं रहता है जैसे वैसे स्विट्जरलैंड पता नहीं कहाँ शूटिंग हुई थी उसकी, बट यहाँ भी मोहब्बतें वाली है भाई, परंपरा, यही था ना कुछ अमिताभ बच्चन सर क्या बोलते थे, परंपरा प्रतिष्ठा ये, बट यहाँ पे ना मोहब्बतें लव स्टोरी चलती थी, साला यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है, ये डिफरेंस है। वो ना परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन गुरुकुल के तीन कुछ तो हैं। ये वाला जो मार्केट है ना, ये भी बैंक का करोल बाग है, देखो बैंक ऑफ इंडिया, कोटेक, इंडसइंड, इंडियन बैंक, ICICI, एक्सिस, और इसके पीछे HDFC। करोल बाग में जैसे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिल जाते आपको, एग्जैक्टली यहाँ बैंक के ऑप्शन है। इतना बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ ना मैं, अभी मैं बताता हूँ, पहले गाड़ी में चल लूँ, नहीं तो इधर कोई सुन लेगा तो फिर हंसेगा ना, ऐसे तो आप ब्लॉग देख के हंस सकते हो, बाकी यहाँ कोई सुनेगा तो फिर हंसेगा, इतना बड़ा बेवकूफ आदमी। तो अभी क्या बेवकूफ़ी की मैंने, मेरे को बंद करना था अपना बिजनेस अकाउंट जो करंट अकाउंट होता है। अभी करंट अकाउंट में ना क्या होता है ना कि भैया हर एक जगह आप जहाँ भी आप साइन करते हो ना वहाँ पे स्टैंप लगाना पड़ता है, स्टैंप ही नहीं लेके आया, अब बताओ
स्टैम्प ही नहीं लिखा है। वहां जब मैंने देखा ना अकाउंट नंबर निकालने के लिए नेट बैंकिंग लॉग इन किया, देखा स्टैम्प ही नहीं है भाई। कल फिर से आना पड़ेगा। फॉर्म तो ले लिया है, फॉर्म अपने पास से घर से भर लूंगा, अकाउंट नंबर वगैरह सब चीज कर दूंगा, स्टैंप वगैरह वहीं कर दूंगा, कल आके बस सबमिट करना रहेगा। इसका पेट खाली हो गया है, इसको खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्यादा दूर तक चलेगी नहीं। नहीं चल तो बहुत जाएगी, बट ठीक है खाना तो खिला देते हैं। रहेगा फुल टैंक, एक छोटी सी हेल्प कर दो, मैंने गलती से बोनट खोल दिया, बोनट बंद कर देना, मैं इधर उतर नहीं पा रहा। और भाई जो लास्ट टाइम पेट्रोल पंप वाला इंस्टेंस था ना, तो जिस दिन वो वीडियो आई थी उसके अगले दिन तो मैं निकल गया था उत्तराखंड के लिए, तो मैं बता नहीं पाया क्योंकि उत्तराखंड वाले सीरीज आ रही थी। तो बीपीसीएल से मेरे पास फोन आ गया था, जो भी वहां पे एम्प्लॉयज थे, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि ओनर और कंपनी को तो नहीं पता था, जो ग्राउंड लेवल पे जो भी स्टाफ था ना, जो वो पूरा फ्रॉड और जो पूरा जो केस हुआ था ना उसमें इन्वॉल्व था, वो गए वहां पे, सीसीटीवी में उन्होंने चेक किया। मुझे बताया गया कि जो बीपीसीएल के हेड हैं उनके उन तक ये वीडियो पहुंची, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और उन सारे लोगों को वहां से हटा दिया। देखो आपको सतर्क तो हमेशा रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट वन कंपनी अदर कंपनी, इट इज़ अबाउट द इंडिविजुअल जो आपका डीजल भर रहा है। अगर उसके मन में थोड़ा सा चोर है तो डेफिनेटली आप अगर सतर्क नहीं रहोगे ना और वो ट्रस्ट वाला फैक्टर रखोगे ना, हाँ देखने की जरूरत नहीं है भैया तो सही भरते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा खेल। बट बिग थम्स अप जो भी एक्शन लिया उन्होंने। बड़ा हूँ भाई, पीछे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यार, आ ही नहीं रहे। मैं कह रहे थोड़ा सा आगे लीजिए और आ ही नहीं रहे, पैसे ही नहीं लेने आ रहे हैं। और मैं भाग जाता तो हाँ, आप इतना दूर बोल देते हो चले जाओ आगे, मैं भाग जाता फिर, कार्ड तो दे दूंगा, पहले बताओ भाग जाता तो क्या होता, कहाँ भाग के जाएंगे, यही तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए साला लाइफ में, कहाँ भाग के जाएंगे ये लोग। ओ भाई भैया कह रहे कहाँ भाग के जाओगे, आओगे तो डेली इधर ही। वो भाई कितना सटा के जा रहा है, ये पी 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 करता है तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो हार्ट बीट जैसे ऐसे नहीं होता है पी 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 पी। तो भाई भगवान मेहरबान है। हाँ देखो बताओ, सामने बैंक और ये अपनी पार्किंग, सामने बैंक और ये अपनी पार्किंग, इससे ज्यादा क्या अंदर। अब तो सीधे इसके बाद तो अंदर ही पार्क होता, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा है ही नहीं तो 1000 से ज्यादा निकाल ही नहीं सकते। देख रहे हो 1000 रुपए के लिए कितना ज्यादा गिन रहा है मशीन, पता नहीं जैसे। और भाई HDFC बैंक में अकाउंट रहने से ना मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अभी जो मैंने सैमसंग वाला फोन लिया ना, तो उस पर भी मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला, कार्ड सिर्फ कार्ड यूज करने पे, ठीक है HDFC का कार्ड। और अभी एप्पल लॉन्च हो रहा है तो एप्पल का भी जो डिस्काउंट रहता है ना, वो HDFC के साथ ऑफर आता है यार, कि HDFC कार्ड यूज करो 7000 या 5000 का, तो इंस्टेंट डिस्काउंट भैया, जितना प्राइस है ना उससे 5000 रुपए कम। तो ये बड़ा फायदा हो जाता है यार, सिर्फ एक बैंक में अकाउंट होने से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस मैं इस बैंक में था तो मुझे पता है बैंक का इंटरनल सिस्टम कैसे वर्किंग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और मैं HDFC की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस बैंक में था, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस बैंक को यूज कर रहा हूँ। मेरा कांग्रेचुलेशंस भाई फॉर टेकिंग ब्लैक कलर, चले गए भैया को अच्छा नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या पता चला, सर्विस ही था नॉर्मल। हाँ नॉर्मल सर्विस तो है, आवाज खटर पटर क्यों कर रहा है। हाँ, वो नीचे का प्लेट प्लेट आवाज कर रहा है, आवाज प्लेट आवाज कर रहा है ना। हाँ, ऑफ रोडिंग में मैं ले गया था ना, प्लेट आवाज कर रहा है और एक हल्का सा सस्पेंशन से भी आवाज है इसके। हाँ, उस साइड वाले में है, उस साइड वाले में, उस साइड वाले जंपिंग रोड का जो बूश है। हाँ वो थोड़ा सा आवाज कर रहा है, जंपिंग रोड का बूश। ये है महिंद्रा का जेन्युइन सिंथेटिक व्हील, ये है BS6 का इंजन ऑयल, और ये महिंद्रा का खुद का है। तो महिंद्रा खुद का ही है। हाँ तो भैया कह रहे हैं कि ये वाला और ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी मंगवा लिया था। केबिन AC फिल्टर, एयर फिल्टर है इसका, ये एयर फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है, ये कूलेंट है। अच्छा ये कूलेंट है, ये महिंद्रा का। अच्छा ये भी महिंद्रा का ही है, बहुत सही। तो ये महिंद्रा का खुद का है, और हम जो डाल रहे थे वो शेल डाल रहे थे, ये भी शेल का ही है, ये भी शेल ही बना के देता है। शेल कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा हाँ शेल, ये भी शेल, ये अल्ट्रा होता है मतलब। तो इसका कितना प्राइस है, इसका कितना प्राइस है? ये है अपना 2450 का, एक बार फोन था ये रंजन फोन, ये 2450 का। और ये पड़ता अपने को 3450 का, 2400। ये सिंथेटिक है? हाँ फुल सिंथेटिक है। अच्छा ये फुल सिंथेटिक है, तो हम ये वाला क्यों नहीं डाल रहे, मतलब से पूछा था तो कह रहे कि अगर पहली सर्विस है तो यही डालो, ये डाल लो। अच्छा। दूसरे से आप ये चालू कर देना। अच्छा पहली सर्विस, तो ठीक है पहली में यही डालते। हाँ भाई इसका पहला सर्विस है तो सारे जेन्युइन महिंद्रा के ही सामान डाले, जो महिंद्रा रेकमेंड करता है वही डलवा रहे, बट सर्विस उनसे नहीं करा रहे क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे ना कुछ सुनवाई नहीं होता है बस। तो इससे अच्छा ये है, बट अगले सर्विस से इसका करेंगे क्योंकि पहली सर्विस है ना, तो वो कह रहे कि इनका महिंद्रा का जो प्रॉपर लोगो वाला तेल, वैसे तो इनको शैली बना के देता है। हाँ शेल, शेल तो बहुत सिंथेटिक है, और इन्होंने क्या करा ना इसको डाल दिया कि BS6 के लिए है। हाँ BS6 डाला हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं ये डाल देते हैं।
अगली सर्विस से सिंथेटिक वाला डालेंगे। गाड़ी अपनी खुल गई है भैया। ब्रेक पैड इसके कितने हैं? ब्रेक पैड तो भैया भी बहुत है, बहुत है। इसकी ब्रेक पैड की क्वालिटी अच्छी है ना? हाँ, इसकी अच्छी है क्वालिटी। आप बताओ, सेम महिंद्रा का ब्रेक, ये 11,000 चली है, वो 10,000 चली थी, 10,000 में मेरे खत्म हो गई थी, खत्म हो गए थे। तो ये तो नया की तरह है। हाँ, ये नया की तरह है ना? मतलब थार में ब्रेक लगता भी तो नहीं है ना? के आसपास की सब है। अभी देखे एमएम के आते 20,000 कम से कम चले गए। 20,000? अभी पता है फॉर्च्यूनर का ब्रेक पैड कितना चलता है? कम से कम 60 से 70,000। हाँ, बहुत जबरदस्त ब्रेक पैड इनका तो 30 से 35,000 किलोमीटर। 30 से 35 ना? नहीं, शाम तक नहीं, आप 2-3 दिन रखो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये करवा दो भैया। ये कैसे होगा लेकिन, इसका पेंट अलग है, ये हाँ, ये भी, ये वाला भी थोड़ा सा निकल गया, पेंट मैंने बनवाया इसका ना, ये वाला कलर। अच्छा, ये इसी टाइप का, ये भी पेंटिंग कर रखे ना, ये मसाला भर। हाँ, मसाला भर बनाना होता है ना फेसिंग फिनिशिंग के लिए। अच्छा, तो ये पूरा सही हो जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इसका ना एक और चीज़ यार, इसमें ना मैंने PPF कराया था, तो आज सुबह मैंने देखा, उस समय तो दिखा नहीं पाया। ये देखो, इसका PPF ना ये निकल रहा है, ये PPF निकल रहा है, तो ये जाके सही कराना पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली कैसा है ना, निकल क्यों रहा है तो जाके ही पता चलेगा। विंडो निकालना बाहर, तेल काला हो गया। तेल बहुत काला हो गया यार। अभिषेक भैया मेरी गाड़ी का ना बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं उनको बताता हूँ ना, उस पर वो खुद से, अगर मैं ध्यान नहीं भी देता तो वो खुद से ध्यान देते हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। प्लस अपना सारा पार्ट जेन्युइन डल रहा है। अब इस गाड़ी में ना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो सेंसर नहीं है, मतलब सेंसर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम है, तो बेसिकली मैकेनिकल गाड़ी है। बट मैंने 3-4 बार महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे दिया, बट जो उसकी प्रॉब्लम थी ना वो रिजॉल्व होती थी, फिर से अगले दिन ही आ जाती थी। मतलब पहले दिन जब मैं चलाता था तो ठीक रहता था, फिर वो सेम चीज़ वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती थी। तो उसी समय मैंने कसम खाई थी भैया कि महिंद्रा के सर्विस सेंटर ना जाना पड़े, बस इंश्योरेंस क्लेम ना आए, क्योंकि वो तो सर्विस सेंटर से ही जाके होता है। इसके सर्विस में कॉस्ट कितना आएगा, पैसा कितना लगेगा, पार्ट वार्ट सब मिला के? ज़्यादा नहीं है, 5-5.5 हज़ार। 5-5.5 हज़ार? तो भाई 5-5.5 हज़ार में अपना गाड़ी का पूरा पार्ट वार्ट मिला के? हाँ, सब कुछ मिला के। अगर हम प्रॉपर इनके जो तेल डालते हैं ना, जैसे ये वाला इंजन ऑयल है, हाँ, वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा जो फुल सिंथेटिक है। अच्छा अच्छा, फुल सिंथेटिक डालेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो अभी 5-5.5 हज़ार में हो जाए। और ना महिंद्रा के ऐसा नहीं है कि महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे ही जाके आपको ओरिजिनल पार्ट्स मिलते हैं। ओरिजिनल पार्ट्स आपको बूडमू पे भी मिल जाएंगे, आपको लोकल मैकेनिक शॉप, मतलब जहाँ पे आपके ट्रस्टेड शॉप है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो पार्ट्स हमने सारा वैसे ही किया, तो ये बेस्ट चीज़ है यार कि ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट डलवाओ, गाड़ी भी आपका जो रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब जो महिंद्रा रेकमेंड कर रही है वही करवाओ, और प्लस आपको सर्विसिंग भी आपके मन मुताबिक हो जाए। हाँ, ये कहीं से ना खटर पटर हाँ, वाली जो आवाज़ है ना, मेरे को ना सस्पेंशन से जो आवाज़ आ रही थी ना, वो एक बार चेक कर ले, बंद हो जाएगी ना? ठीक है, बाकी तो फिर ऑफ रोड ले जाएंगे तो फिर हो आएगी। ये हाँ, ये तो थार इसी चीज़ के लिए तो जानी जाती है, ये फीचर है थार का हमेशा आवाज़। हाँ, नहीं प्यार चाहिए इसको, थार को प्यार चाहिए, इसको प्यार करते रहोगे तो भाई ये आपको प्यार करते रहेगी। बाकी भाई आपको भी अगर अपना गाड़ी का सर्विस वगैरह का काम या कुछ भी करवाना हो तो आप अभिषेक भैया के पास आ सकते हो। ये अभिषेक भैया का नंबर है 9871667251। तो ये नंबर पे आप अभिषेक भैया को कॉल कर लो और आ जाओ यहाँ पे। बाकी मुस्कान मोटर्स गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे आ जाओ। और ये मैं अभिषेक भैया का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अभिषेक भैया के लिए मेरा प्यार है। बोल्ट लूज है? हाँ, अच्छा, इसके जो बोल्ट है ना थोड़ा सा लूज है, तो सारे बोल्ट चेक कर लोगे ना? सस्पेंशन का बोल्ट चेक कर रहे हो सकता है, इस वजह से भी आवाज़ कर रहा है, क्योंकि ऑफ रोड बहुत होती है ना इससे। ये वाला टायर वहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और ये वाला वहाँ जाएगा, मतलब क्रॉस कर देंगे। हाँ, क्रॉस कर देना भैया टायर। हाँ, जो ये टायर ना बड़ा अच्छा है, छिपकली बना देता है ना, ये गाड़ी को छिपकली बना देता है ऑफ रोडिंग के, छिपकली की तरह, छिपकली जैसे नहीं चढ़ती है ऊपर, वैसे चढ़ जाती है ये। एक और चीज़ हमने यहाँ पे किया है, इसके नीचे ना टेफ्लॉन कोटिंग होगी पूरे का। हाँ, टेफ्लॉन बोल दो या रबड़ सील बोल दो, रबड़ सील लगवा देते हैं इसमें। अच्छा, ये होगा ना कि अंदर से अंडरबॉडी, सिर्फ अंडरबॉडी होगा वो, कितने का आएगा? सस्ता ही आता है, 800-1000 रुपए के आसपास का पूरा डब्बा आता है वो। अच्छा, और वो खुद ही लगवा लेंगे? हाँ, चलो, अपने लड़के से प्रेशर गन पे मार लेंगे। अच्छा, जिससे पेंट करते हैं ना। हाँ, गन में लगा के पूरा, ठीक है इसमें टेफ्लॉन कोटिंग भी होगा। नहीं, अंडरबॉडी जो भी है ना वो जंग नहीं पकड़ेगी। हाँ, नहीं सही है टोयोटा के अंदर कोई खर्चा ही नहीं है। जैसे आदमी चलता है ना तो उसके जूते घिसते हैं, उसी तरह टोयोटा के अंदर क्या है, इसके टायर घिसेंगे। हाँ, और वो भी कभी लाख किलोमीटर के 70,000 रुपए ब्रेक पैड घिसेंगे। हाँ, और कोई खर्चा ही नहीं है, कोई खर्चा, बस तेल डालो और चलाते रहो, डीजल डालो चलाते रहो, नहीं मजा आता है ना।
जो इस गाड़ी को चलाएगा ना वो इससे कभी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मैं तो फैन हो गया, जबकि मुझे हमेशा ओवर प्राइस लगती थी। ये ऑयल फिल्टर ना भैया? हाँ ऑयल फिल्टर भैया। हाँ ये जो ऑडी बीएमडब्ल्यू रहता है उसके सर्विसिंग तो बहुत महंगा रहता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ मतलब कंपनी में तो बहुत महंगा, कंपनी में ज़्यादा होता है। हाँ बाहर आप करा सकते हो 15-16 हज़ार रुपये में हो जाता है। तो मैं एक ऑडी सेकंड हैंड ले लूँ? हाँ आराम से ले लो, ले लूँ ना सिटी विटी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ना सर उसे। रेंज रोवर दिलाता हूँ। रेंज? अरे अभिषेक भैया क्या हुआ, शॉकर लीक कर रहा है? हाँ प्रेशर डाउन हो रहा है ना शॉकर का। अच्छा वो गड्ढे वड्ढे में गई होगी ना उसमें। अच्छा चला भी सकते हैं। तो ये शॉकर कितने का आता है? सस्ता होगा, 2-2.5 हज़ार रुपये का। तो चेंज कर दो, चेंज कर दो भैया। ओरिजिनली ना? हाँ ओरिजिनल। हाँ ये चेंज कर दो भैया, शॉकर चेंज कर दो। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा जर्क लगता है। वही कह रहा हूँ, जर्क के वजह से ना, टायरों की वजह से। हाँ जैसे गड्ढे वड्ढे पे गया होगा ना। हाँ टायर चेंज कराया ना मैंने। हाँ नहीं भैया चेंज कर दो, उधर का ठीक है, उधर का दिखाता हूँ आपको। सूखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सूखा हुआ है। हाँ नहीं है ना? हाँ गीला नहीं है। अच्छा उधर वाला लीक है, इधर वाला सही है। और पीछे पीछे तो कमानी है ना, पत्ती है। हाँ पीछे तो ये नहीं है ना, पीछे भी शॉकर है। हाँ पीछे भी शॉकर है, पीछे वाला खराब नहीं होता जल्दी, जल्दी खराब नहीं होता। आगे ही ज्यादा कूदती है, आगे ही कूदती है। हाँ आगे ज्यादा, तो इसको पीछे से भी कूदाना पड़ेगा। जो गड्ढा है ना, तो आगे पहले धीरे ले जाओ फिर पीछे में स्पीड बढ़ा दो। वो होता है भैया, आगे मैं मजाक कर रहा हूँ, बट एक साइड का लीक है तो भैया को मैंने कहा शॉकर भी चेंज कर दो यार। इंजन ऑयल डाल रहे हैं अभी? ये सही है, पूरा ब्लैक हो गया था। हाँ जो अपना तेल निकला वो पूरा काला ही था। बताओ वो जो अंदर एड सर्विसिंग ड्यू आ रहा है, कर देंगे लैपटॉप लाया कर रीसेट कर देंगे। अच्छा इसका टायर भी चेंज होगा, क्रॉस होगा तो टीपीएमएस का सेंसर सेंसर का कर देंगे क्रॉस। हाँ वो तो वहाँ से कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा, से मिला देंगे ना। हाँ जो राइट नहीं तो पता है क्या, इस टायर में हवा कम रहता है तो उधर का दिखाएगा, लेफ्ट बताएगा, लेफ्ट हाँ क्योंकि हाँ 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 अगर हम क्रॉस करेंगे ना जैसे राइट वाला है वो पीछे लेफ्ट का दिखाएगा। हाँ 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 ऐसे हो जाएगा ना। हाँ तो ये कर देंगे ना। हाँ वो मिला, जाना तो नहीं पड़ेगा वहाँ। ना एक बार गाड़ी का ऑयल चेंज करो, मतलब इंजन ऑयल चेंज करो, पूरी गाड़ी की आवाज़ एकदम साइलेंट हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है भाई। अभी जब वहाँ से निकली थी पता नहीं कैमरे में कितना आवाज़ क्लियर आया होगा, बट अब देखो कितनी साइलेंट लग रही है। मतलब 2200 cc का इंजन और एकदम साइलेंट भाई, इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, इसकी कम, पता भी नहीं चल रहा है। इंजन ऑन है, एक्चुअली इंजन ऑन है ना। हाँ स्टार्ट पता ही नहीं चल रहा है, देखो इंजन ऑन है अपना, तब भी पता नहीं चल रहा है। अब विक्रम भाई का फ़ोन आया था, एक हमारा शूट है बेसिकली तो वो करना है, तो उसके लिए पहले विक्रम भाई को पिक करना है, उस आगे से यू टर्न लेके आते हैं। बाय श्याम भैया, बाय बाय अभिषेक भैया। अपनी गाड़ी यहाँ पे रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम वही सस्पेंशन वगैरह जो चेंज होना है ना तो वो हो जाएगा। अब देखो वो कह रहे थे कि अभिषेक भैया कि अभी नई भी कराओगे तो चलेगा, कोई उतना ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार अभी उस सब चीज़ों के लिए ना मैं ये नहीं जाता। देखो थार में ऐसे ही इतना ज़्यादा ना ये होता है, बॉडी रोल रहता है। अब उसका सस्पेंशन आवाज़ भी कर रहा था, मैं उस साइड कह रहा था कि उस साइड का आवाज़ भी आ रहा है और प्लस ऑफ रोड भी वे, तो यार गाड़ी में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहोगे ना तो एक बड़ा पैसा जब मतलब एक बड़ा नुकसान होने से ना बहुत बार बच जाता है। देखो पीछे कितना कि यार दिख ही नहीं रहा होगा, ये देखो हाँ कूड़ा है, कितना कूड़ा है। तो अपन यही करते हैं यार, मेरे को तो कि कुछ भी हो भाई सर्विसिंग के टाइम पे आंख बंद करके अगर कोई आपके मैकेनिक कह रहे कि ये पार्ट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है उसको ना रेक्टिफाई करा लो यार, चाहे चेंज कराना है चेंज करा लो, चलना है तो चला लो, बट ज़बरदस्ती मत कराओ, जुगाड़ मत कराओ, नहीं तो कभी वो प्रॉब्लम देगी ना तो फिर बड़ा हो जाएगा वो प्रॉब्लम। अब सस्पेंशन की वजह से ना मेरे टायर्स घिसते रहते और टायर्स भी महंगे, तो फिर मुझे सस्पेंशन और टायर दोनों चेंज कराना पड़ता, विच इज़ बैड। इतना सारा गैजेट, इतना सारा गैजेट, गैजेट है, माइक ही तो है, गाड़ी की चाबी है। आप बोले मैं आऊंगा लेने के लिए। हाँ मैंने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ मैंने डीजल डलवाया पूरा। अच्छा। लबा लब। यहाँ पे अपना शूट कंप्लीट हो गया, काफी लंबा रहा ना। हाँ दिन में आए थे, अंधेरा कर दिया। हाँ दिन में आए थे, अंधेरा हो गया यार सीरियसली। इतना उछल कूद कर रही है तो पूंछ में चोट लगी है ना। इधर आ स्कूबी, स्कूबी इधर आ। मस्ती चढ़ी है तेरे को। चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को यही पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा गिव इट थम्स अप। अभी निकलेंगे थोड़ी देर में, विक्रम भाई आएंगे, विक्रम भाई और परम दोनों से मिलना है। तो व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नो डू सब्सक्राइब टू चैनल। कल का जो व्लॉग आएगा वो आएगा फॉर्च्यूनर के एक्सपीरियंस पे जो हमने शूट किया आज, अभी बैठ के उसको एडिट करूंगा, ये वाला व्लॉग एडिट करूंगा और सुबह 11:30 बजे अगले